प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट नव निर्मित आरोग्य वन, एकता मॉल और बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया। आरोग्य वन में 15 एकड़ में औषधीय गुणों से युक्त पौधे लगाए गए हैं। इसमें 380 प्रजाति के 5,00,000 पेड़ हैं। योग व आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री ने पहले गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार नरेश कोनड़िया व उनके संगीतकार भाई महेश कोनड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंचे और आरोग्य वन का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ इसका अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। इस मॉल में भारत की मौजूदा हस्तकलाओं और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर पूरे देश से आए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उसका उद्देश्य एकता का संदेश देना है। यह मॉल 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मॉल में 20 एम्पोरियम हैं, जो प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एकता मॉल को केवल 110 दिनों में निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पार्क का भ्रमण किया और बच्चों को आकर्षित करने वाली विभिन्न सुविधाओं का भी अवलोकन किया। यह दुनिया का पहला टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क है, जो 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन भी है, जिसके स्टेशन के नाम भी काफी रोचक रखे गए हैं, जिनके फल शाखा गृहम, पायोनगरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत नाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूट्री ट्रेन की सवारी करते हुए विभिन्न स्टेशनों का मुआयना किया। इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्क में इसके लिए मिरर मेज, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम की भी व्यवस्था की गई है।